हाय गाइस, सो कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम लोग किस तरह से अपना खुद का ऐप बना करके और उसे अर्निंग कर सकते हैं एडमोब से ऐड लगाकर, वो भी बिना प्रोग्रामिंग के। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है फिर भी आप ऐप बना सकते हैं और उसको मोनेटाइज भी कर सकते हैं एडमोब के साथ। सबसे पहले मैं आप लोगों को मेरा वो दिखा देता हूँ। एक मेल आया मेरे पास, मैंने एक ऐप बनाया था तो उसमें एड्स चल रहे हैं। तो मेरे पास ये देखिए, ये मेल भी आया यहाँ पर, ये बोल रहा है देखिए अबाउट 5 इम्प्रेशन, मतलब 5, क्योंकि मैं उस ऐप को मैं ही अपने मोबाइल में टेस्ट किया था तो मैंने 5 बार उसको ओपन किया था तो उसके 5 इम्प्रेशन आ गए। तो मेरे पास मेल आ गया कि यू हैव नाइस जॉब। ठीक है, तो अब आप लोगों को ऐप, आप लोगों को भी ऐप बनाना है तो आप लोग किस तरह से बनाएंगे और किस तरह से उसको मोनेटाइज करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एकदम बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि एक वेबसाइट है appsgizet.com, आप लोग इसको जानते होंगे, लेकिन इस आप लोगों ने या अभी तक इसमें ये नहीं देखा कि इस तरह से मोनेटाइज करते हैं यहीं से। तो किसी भी चीज़ का आप लोग ऐप बना सकते हैं, कोई भी वेबसाइट हो, कुछ भी हो, एनीवे आपका ब्लॉग है तो उसका बनाइए, आपका यूट्यूब चैनल है तो उसका बनाइए, और आप मैसेंजर वगैरह कुछ भी बना सकते हैं और उसमें एड लगाकर आप लोग अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ एक वेबसाइट के बारे में। तो उस वेबसाइट का मैंने क्या सोचा कि वेबसाइट का मैं उसका ऐप बनाऊंगा और मेरे पास एक दो ग्रुप ऐप HTML एंड CSS के, तो उसमें वो एप्लीकेशन दे दूंगा और वहाँ से शायद एक दो लोग तो इंस्टॉल कर ही लेंगे। तो w3school.com है तो उसका मैं ऐप बना रहा हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है कि इसमें साइन इन हो जाना है। ठीक है, मैं भी साइन इन हूँ। तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ देखिए, सबसे पहले ये आ रहा है वेबसाइट, तो वेबसाइट पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ये देखिए आ गया। अब यहाँ पर डालना है हमको वेबसाइट URL, मैं इसको थोड़ा जूम कर ले, अपने आप जूम हो गया। तो वेबसाइट URL यहाँ पर डालना है, तो वेबसाइट URL डाल देते हैं। ये देखिए w3school.com का मैंने वेबसाइट URL ले लिया है। तो वेबसाइट URL डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और ऐप नेम, ठीक है, तो ऐप का नेम डाल देते हैं प्रोग्रामर, लर्न प्रोग्राम बना देते हैं, लर्न प्रोग्राम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। आप लोग किसी भी चीज़ का आप लोग ऐप बना सकते हैं इस तरह से। तो उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन में क्या डालना, कुछ भी लिख देना, मैं भी आप कुछ लिख देता हूँ। हेयर यू कैन फाइंड ऑल वाट क्या, तो मैं दोबारा डाल देता हूँ यहाँ पर हेयर यू कैन फाइंड ऑल कोड्स। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी डाल देना, फिर मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप लोगों को आइकन चूज करना है, तो आइकन अभी मेरे पास है नहीं तो हम आइकन यही रख लेते हैं। ठीक है, ओपन एडिटर देख लेते हैं कोई आइकन मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आइकन यही रखना है, अभी कस्टम आइकन के लिए नहीं है टाइम, तो हम नेक्स्ट कर देते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, हमने ऐप बना लिया है। इस पे बाद क्रिएट पे क्लिक करना है, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हमारा ऐप थोड़ी देर में ही क्रिएट हो जाएगा और हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पब्लिश का ये बोल रहा है। ठीक है, तो पब्लिश तो हमें नहीं करना है, हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं इस पर क्लिक करके। और ये देखो यहाँ पर लोडिंग हो रहा है। ठीक है, इसके लिए भी हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो APK बन गई, अब इसको हमें डाउनलोड नहीं करना, अभी इसको मोनेटाइज किस तरह से करना है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं, क्लोज होने में टाइम ले रहा है थोड़ा। ठीक है, तो अब प्ले स्टोर पब्लिश करने के तो हमारे पास पैसे नहीं है, कितने $25 मांगता है। और appsgizet मार्केटिंग कोर्स ये भी एक बार नहीं, अमेज़ॉन पर आप लोग पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन छोड़िए इसको भी खुद का। अब यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को ऐप मोनेटाइज़ करना है तो मोनेटाइज योर ऐप, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मोनेटाइज योर ऐप। ठीक है, तो इस मोनेटाइज पर क्लिक करना है यहाँ पर, तो मोनेटाइज पर क्लिक कर देते हैं।
मोनेटाइज पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। हाउ इट्स वर्क ये आप लोग पढ़ लेना। तो हमें कौन कौन सा करना है, बैनर एड्स लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इंटरशियल एड बार बार एक दो पाँच या पाँच चार सेकंड में आ जाते हैं। सो हम एड मोड पे क्लिक करना है और यहाँ पर योर एड यूनिट आईडी, अब हमें एड यूनिट क्रिएट करना है वो भी एड मोड में। तो आप लोगों को एड मोड में साइन इन कर लेना है और फिर वहाँ पर एड मोड में साइन इन करने के बाद ऐप्स पर क्लिक करना है। ऐप्स पर क्लिक करने के बाद एड ऐप पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये देखिए यू हैव पब्लिश्ड, ये पूछ रहा है कि आपकी प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर ऐप है या नहीं है, तो नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना और फिर प्लेटफॉर्म और ऐप का नेम वेब ट्यूटोरियल्स बना देते हैं क्योंकि मैंने 003 स्कूल से उसका वो लेके लिंक वहाँ से बनाया, तो ऐड पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्रिएट ऐड यूनिट पे क्लिक करना है, सो नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। सारा प्रोसेस आप लोग मोबाइल में कर सकते हैं, कंप्यूटर की पीसी की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, ठीक है। अगर आप लोगों को चाहिए होगा कि अगली बार आप लोगों के इसके कस्टम आइकन भी अगर आप लोगों को बनाना है तो बता देना, कमेंट्स में लिख देना कि आइकन भी हम बनाना बता देंगे। सो ये थोड़ा लोडिंग में टाइम नहीं ले रहा है, हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों को ये सिलेक्ट करना है बैनर एड, इंटरशियल एड सेलेक्ट मत करना उसे पे क्योंकि बार बार मतलब एक मिनट्स के अंदर अंदर दो तीन बार एड्स आ जाते हैं तो लोग हमारी एप्स को ऐप को ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। तो सिलेक्ट पे क्लिक कर देना इस पर और यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, इमेज टेक्स्ट ये सब रहने दीजिए, स्टैंडर्ड रहने दीजिए और यहाँ पर आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं ऐप यूनिट नेम। तो यूनिट नेम हम वेबसाइट डाल देते हैं, ठीक है, और सेव पे क्लिक कर देते हैं। सेविंग हो रहा है आप लोग देख रहे हैं और यहाँ पर हमें आईडी मिल गई। तो ऊपर वाली जो आईडी है ऐप आईडी उस वो तो हमें नहीं लेना है, हमें लेना है ये CAPUB नाम से जो आईडी है यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी कर लेना है और कॉपी करके हमें जाना है ऐप्स गीजर के अंदर और यहाँ पर हमारा ये कोड पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट कोड अभी ये यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा ताकि पता चल जाएगा कि कोड चल रहा है, ये देखिए ग्रीन हो गया। और इंटरशियल एड भी अगर आप लोग लगाना चाहते हैं तो उस तरह से अभी मैंने जो प्रोसेस बताया था उस तरह पे इंटरशियल एड्स पर क्लिक करके आप लोग लगा देना, लेकिन मेरे ख्याल से इंटरशियल एड ज़्यादा बार बार सामने आती है तो अच्छा नहीं रहता है, तो सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सेव पे क्लिक करने के बाद और कुछ नहीं, अब हमको ऐप को डाउनलोड करना है और आपको चला के दिखाना है। तो ये हो गया, W3 स्कूल ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में ऐप बना चुका हूँ। अब इस ऐप को क्या करना है, हमें डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर नहीं, ये डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड पे आने के बाद हमें यहाँ पर अपने ऐप का लिंक मिलेगा, ये लिंक यहाँ से आपको कॉपी कर देना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है या अलग तरीका भी आप अपना सकते हो किस तरह से शेयर करना है। तो ये लिंक पे क्लिक करेगा जो भी तो उसके ऐप डाउनलोड हो जाएगी। तो अब ये ऐप यहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है, और 3, 2 और 1 अब ऐप हमारा डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम UC को सिलेक्ट कर लेते हैं आज, ठीक है। तो 5 MB का एप्लीकेशन है तो डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं और डाउनलोड्स में जाके देखते हैं W3 स्कूल डाउनलोड हो रहा है। नेट फास्ट है देख सकते हैं आप लोग, 700 KB 900 KB। तो अब ऐप डाउनलोड होने के बाद ऐप को इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल पे क्लिक करना है, ठीक है। तो वेट कीजिए आप लोग, सो ऐप इंस्टॉल्ड हो चुका है, अब इसको करना है ओपन। ओपन करने के बाद आप लोग देखेंगे थोड़ा ये टाइम लेगा, वेबसाइट को लोड करेगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो एड्स आ रहे हैं ये देख सकते हैं आप लोग सबसे नीचे की तरफ इंडियन मैसेंजर, इंडियन ब्राउज़र वगैरह आ रहे हैं। तो ये एड्स हमारी एडमोब आईडी से ही आ रहे हैं तो ये हमें इम्प्रेशन काउंट होंगे। और ये भी एड आ रहा है, ये देखिए इंटरशियल वो एड भी आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये ऐप बनके तैयार हो गया है। अब इस ऐप को आप लोगों को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ठीक है,
और इससे आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, तो आप लोग उनके साथ ये ऐप शेयर कर दीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए प्रोग्रामिंग का वगैरह का, तो ये ऐप शेयर करना उनके साथ और आप लोग अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया काम, ये थोड़ा वेट कर लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, ये नहीं आएगा इस तरह का ऐड क्योंकि हमने वो ऐड नहीं लगाया है, ठीक है। तो अब हम इसको हटा देते हैं, इस एप्लीकेशन को, ठीक है। वो ऐड आएगा ना उस तरह का, तो किस तरह से आएगा, मैंने एक एप्लीकेशन बनाया था इंडिया को नाम से, मैं बता देता हूँ, इस तरह से ऐड आएगा, तो आप लोग वो इंडस्ट्रियल ऐड भी लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से चलेगा वो ऐड, लेकिन बार बार आएगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि लोग ज़्यादा ऐप को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मैंने ये ब्लॉग लगा कर बनाए हैं, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये ब्लॉग है, उस ब्लॉग से मैंने ये ऐप बनाया है। तो आप लोग ब्लॉग का भी बना सकते हैं, वेबसाइट का जहाँ मैंने यूआरएल डाला था, तो आप लोग अपनी ब्लॉग का यूआरएल वहाँ पर डाल देना, ठीक है। तो इसको भी हम हटा देते हैं। अब करना है क्या आप लोगों को, सबसे लास्ट काम आप लोगों को करना क्या है कि यह सब काम तो हो गया, आपका ऐप बन गया, किस तरह से बनाना ये भी पता चल गया। अब आप लोगों को करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आया तो, और कोई कमी रह गई तो कमेंट पे लिख दीजिए ताकि उसको सुधार सकें। और नेक्स्ट टाइम हम पूरी तरह से प्रोसेस बताएँगे किस तरह से एक अच्छा सा ऐप बनाकर और किस तरह से उस ऐप में अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।